कृष्णा, आज मेरी एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस का ये लेक्चर 11 है। इससे पहले मेरे 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली के 12 भाव किन किन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड ग्रह या जो बॉडी पार्ट जिस भाव में है वो भाव में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसमें पीड़ित ग्रह बैठा होगा, जिससे कि उस शरीर के पार्ट में आपके प्रॉब्लम हो रही है। तो यही इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो हमारा पूरा शरीर को ये डिवाइड किया हुआ है पूरे 12 हिस्सों में, जिसमें कि पहला भाव दिखाता है हेड को, दूसरा भाव दिखाता है राइट आई को, ये राइट साइड वाला हिस्सा है, तीसरा भाव दिखाता है हमारी नेक गर्दन को और राइट ईयर को जो दायां कान है, ये चौथा भाव दिखाता है हमारी हार्ट को, ब्रेस्ट को, पांचवा भाव दिखाता है हमारे अपर इंटेस्टाइन को जो लीवर वगैरह जहां पर है, छठा भाव दिखाता है हमारा लोअर इंटेस्टाइन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सातवां भाव दिखाता है यूरिनरी ट्रैक सिस्टम को, आठवां भाव दिखाता है प्राइवेट पार्ट्स को, नवां भाव दिखाता है थाइज एंड हिप्स को, दसवां भाव दिखाता है नीज को और आर्थराइटिस को, ग्यारहवां भाव दिखाता है लेफ्ट ईयर यानी बायां कान, और बारहवां भाव बाई आंख। तो ये वाला हिस्सा राइट साइड का है, ये वाला हिस्सा राइट लेफ्ट साइड का है। अब इसमें ये मतलब ये देखने वाले सिस्टम ये है, सपोज कीजिए किसी कुंडली में यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठा है दसवें भाव में जो कि पीड़ित है, जिसको बुरे ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं जिसके ऊपर, या वो खुद कुंडली के अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, दुष्ट भावों का स्वामी है, जैसे 6-8-12 का स्वामी है या 3-6-11 का स्वामी है, तो उस ग्रह की दशा महादशा में इंसान के अपने पैरों पे आर्थराइटिस पे यानी घुटनों पे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरीका है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा कम करने का, इंटेंसिटी कम करने का, तो वैसे तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी आप ग्रहों की थोड़ी अगर शांति इस भाव में करेंगे तो आशा है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से काफी कुछ छुटकारा मिलेगा। तो ये हमारे कुंडली के 12 भाव हैं, और 12 भाव के अंदर जो जो बॉडी पार्ट्स है वो मैंने आपको उसमें दिखाए, और किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी भाव के अंदर कोई अगर गलत ग्रह बैठा हुआ है, कोई ग्रह अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, मैलेफिक है, तो उस भाव के जिस भाव को वो रिप्रेजेंट करता है या जिस भाव में वो बैठा है उस पार्ट में, बॉडी के पार्ट में परेशानी हो सकती है। तो जिसको हम दूर कर सकते हैं, दवाइयां तो मेन नहीं है, दवाई तो खानी खानी है, नंबर टू उस ग्रह का थोड़ा पूजा पाठ या शांति से भी हम उन चीजों पे कुछ फर्क डाल सकते हैं। तो आशा है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आपको आया हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा भी एप्रिसिएशन मुझे मिलेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि मैं नई वीडियोस आपके सामने बनाता रहूं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।